सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज यार, आज का जो वीडियो है हमारा वो कोई एक्सपेरिमेंट के ऊपर नहीं होने वाला है। आज जो है गाइज, हमने एक लैंप ऑर्डर किया हुआ था काफी टाइम से, और वो जो है आज मेरे पास फाइनली डिलीवर हो चुका है, जिसका बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ। जिसका बॉक्स मेरे पास ये रहा, और इस वीडियो में मैं जो है आपको इस यूनिक लैंप के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ इसको यूज करके भी दिखाऊंगा कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये गाइज अच्छा लगता है तो आप इसको ऑर्डर भी करा सकते हैं, वो भी आपको जो है वीडियो के अंदर में प्रोसेस बता दूंगा उसका भी। तो यार, इसलिए चलिए जल्दी से वीडियो को देख लेते हैं, क्योंकि इसको अनबॉक्स भी करना है मुझे, अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया है। चलो यार, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज यार, चलिए सबसे पहले तो बॉक्स को लेके आते हैं। तो यार, ये रहा वो बॉक्स, और इसके अंदर ही रखा हुआ है हमारा लैंप। और चलिए यार, इसको जो है जल्दी से ओपन करके देखते हैं। इतने में इसको कट करता हूँ, इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो, जिससे हमें सपोर्ट मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए यार, सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स करते हैं। और गाइज, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, कोई ये नॉर्मल लैंप नहीं होने वाला है यहाँ पे। ये गाइज इंफ्रारेड लैंप है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपको जो है सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं वैसे तो, पर मैं आपको जो है सारी चीज़ें बता दूंगा। तो यार, इनकी जो कंपनी है इसका नेम है Niscomed.com। गाइज, वैसे ये जो कंपनी है ये और भी सारे आइटम्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराती है, आपको इनकी वेबसाइट पे देखने के लिए भी मिल जाएगा जब आप इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। वैसे वेबसाइट पे अगर आपको विजिट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इनकी वेबसाइट का, डायरेक्ट जाके आप जो है वहाँ से वेबसाइट को भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप इनके प्रोडक्ट को भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए यार, ये जो है इन्होंने एक मैनुअल टाइप दिया है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि मैंने आपको दिखा दिया। चलिए यार, सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स करते हैं। और यार, जो पैकेजिंग है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया की गई है। चलो यार, इसको ओपन करते हैं यहाँ से, और इसके ऊपर जो है, चलो यार बॉक्स के अंदर तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, चलो बॉक्स को साइड रख देता हूँ मैं, और इसको चलिए ओपन करता हूँ। इसके ऊपर ये बबल पन्नी लगी हुई है, इसको भी हटाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इसमें अंदर देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो गाइस यार, यहाँ से जो है हमने इसकी पिन्नी को तो हटा लिया है, और नॉर्मल अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बॉक्स है वो इस तरह का देखने के लिए मिलता है आपको, जिसके ऊपर निस्को लिखा हुआ है, और बाकी यहाँ पे जो है इसका नाम लिखा हुआ है इंफ्रारेड लैंप। इसका जो सीरियल नंबर है वो है IR01। और गाइज, आपको जो है इसमें कुछ यूनिक फीचर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है 3 लेवल देखने के लिए मिल जाते हैं। एडजस्टेबल पावर है इसमें, और इसमें जो है जो स्विच लगा हुआ है वो भी ऑटो वाला है, मतलब कि ऑटोमेटिक वाला है। उसमें क्या होता है गाइस, जब आप इसको टाइमर पे सेट करते हैं 10 मिनट के टाइमर पे, तो ये जो है 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये इसमें जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा है। और बाकी ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो यहाँ से यार, इसकी जो अंदर की पैकेजिंग है ये भी सही दी गई है। चलो यार, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यार, ये भी निकाल चुके हैं हम, और इसके बॉक्स में जो है यहाँ पे कुछ हमें जो है कुछ स्टिकर देखने के लिए मिलता है, जिस पे लिखे हुआ है थैंक यू। तो चलो, इसको भी साइड रखते हैं अभी, और इसको बाद में देखते हैं। और यहाँ पे जो है इन्होंने अपने नंबर भी मेंशन किए हुए हैं, बाद में आप इनसे जो है जो भी पूछना चाहते हैं या नहीं आ रहा चलाना आपको, तो आप जो है इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अब चलिए यार, यहाँ से जो है इसको ओपन करते हैं, इसकी पिन्नी को हटाते हैं। तो यार, इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है। और बाकी चलिए यार, जब यूज़ करेंगे जब ही पता चलेगा। और अभी देख सकते हैं आप इसको जो है, ये एडजस्टेबल भी है, ऊपर कर लो इसको नीचे कर लो, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और चलिए इसके वायर को देखते हैं, क्योंकि वायर से ही पता चल जाता है कि आखिर जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। तो यार, वायर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का लगा हुआ है इसमें वैसे तो, क्योंकि इसी कंडीशन में जो है अदर वायर भी आते हैं, पर उसमें क्या होता है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल होते हैं वो, और टूट जाते हैं जल्दी से, पर इसमें मुझे ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। और बाकी यहाँ पे जो है इस पर कुछ वोल्टेज भी लिखी हुई है, तो देख लेना आप इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आखिर टाइमर किस तरह से सेट करना है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है पावर बटन दिया गया है, इससे ही आपको जो है इसके जो टाइमर है वो उससे ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अभी जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं जो है इसकी ये जो लैंप के ऊपर आगे पिन्नी लगी हुई है इसको भी हटा लेता हूँ मैं, और देखता हूँ कि आखिर इसमें जो है किस तरह का ये जो बल्ब है वो लगा हुआ है। तो यार, वाकई ये जो बल्ब है ये कुछ यूनिक टाइप का है, मैंने इसको पहली बार देखा है, रेड कलर का बल्ब है। इसको निकाल के भी देखेंगे, और यहाँ से देख सकते हैं ये जो है फ्लेक्सिबल है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है। आप इसको कहीं भी टेबल पर रखें, कहीं पर भी रखें, तो यूज़ ईजिली आप कर पाएंगे। और यूज़ किस में करना है ये भी बताऊंगा। चलिए यार, देख सकते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड लैंप, और इसमें जो है यहाँ पे 230 वोल्ट से 150 वोल्ट का ये जो है आपका बल्ब है। चलिए एक बार मैं जो है इसको खोल के भी देखता हूँ। और गाइस, इतने मैं इस बल्ब को निकालता हूँ यहाँ से, इतने आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार, ये जो बल्ब है ये मुझे कोई नॉर्मल बल्ब देखने के लिए नहीं मिल रहा है,
ये जो है गाइज इंफ्रारेड बल्ब है, जैसे कि आपने जो है गाइज इस लैंप का नाम सुना होगा इंफ्रारेड लैंप। तो गाइज लैंप जो है वो ओनली पीछे वाला है जो व्हाइट कलर का देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो बल्ब है ये है इंफ्रारेड बल्ब जो कि गाइज अपने अंदर से इंफ्रारेड रेज को जो है निकालता है। और चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आखिर आप जो है इस लैंप को किस तरह से यूज में ले सकते हैं। वैसे तो गाइज ये जो लैंप है ये काफ़ी जगह जो है यूज़ किया जाता है, पर मैं आपको जो है कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता दूंगा जिससे आपको जो है समझ में आ जाएगा। जैसे गाइज मान लीजिए आप जो है लंबे टाइम से जो है कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं और माउस चलाते रहते हैं, तो एक टाइम गाइज ऐसा आता है कि आपके जो है हाथ में दर्द होने लगता है या फिर पेन होने लगता है, तो आप जो है इस लैंप की मदद से उससे रिलीफ ले सकते हैं उस पेन से। वो किस तरह से करना है आपको वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो में दिखाऊंगा, अभी जब इसको चला के बताऊंगा तो आपको जो है पता भी चल जाएगा कि हाँ किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए गाइज इसके प्लग को लगाते हैं हम सॉकेट में और देखते हैं कि आखिर इसमें जो है पावर किस तरह से दी जाएगी। तो नॉर्मल सी यार इसकी जो है ये स्ट्रिप यहाँ से खोल लेता हूँ मैं, और इसका जो वायर है इसकी भी लेंथ गाइज काफ़ी दी गई है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा वायर दिया गया है, लेंथ काफ़ी है और बाकी वायर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। और गाइज यार ये आपको जो है यूज़ करना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको लंबे टाइम तक इसको जो है यूज़ करते रहेंगे तो ये जो बल्ब है ये भी इसका जल्दी से ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। वैसे तो गाइज ये जो बल्ब है ये ओरिजिनल है, इसमें बाकी डुप्लीकेट बल्ब भी आते हैं पर इसमें जो लगा हुआ है वो ओरिजिनल है और कॉस्टली भी आता है थोड़ा सा, तो इसलिए आप जो है आराम से यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके पावर बटन मैंने यहाँ पर दबा दिया है और यहाँ से अब देखो इसमें जो है लाइट आ गई है। बाकी यार जो हीट निकल रही है इसमें से वो भी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, इसको जो है आप लेवल के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं जो कि पावर बटन से ही जो है यहाँ पे ऑपरेट कर पाएंगे आप, इसको अलग से बटन नहीं दिया गया है इसमें, तो वो भी चीज़ सही लगी है मुझे इसमें। ठीक है, तो यार काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है ये। अब आपको क्या करना है, जैसे आपके हाथ में कलाई में या फिर कहीं से भी जहाँ पे पेन हो रहा है आप जो है उसके आगे लगा दें इसको, और थोड़ी देर तक आप जो है 10 मिनट का टाइमर सेट कर दें। इससे ऊपर वाले बटन में छोटा सा बटन दिया गया है उससे आप जो है इसके टाइमर को सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है जैसे आपकी कलाई है ये, और अब आपको जो है रिलीफ लेना है तो ये जो है आपको इसके आगे रख लेना है। ठीक है, इसकी जो हीटिंग है वो काफ़ी है, अपने आप से एडजस्ट करें इसको जो कि आपको जो है अपने आप पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको बंद कर दिया है क्योंकि मुझे जो है कहीं पे भी पेन नहीं हो रहा है। तो यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है ये लैंप, इंफ्रारेड लैंप सॉरी। और बाकी गाइज अगर आप इसको जो है परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप जो है डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं या फिर अमेज़ोन। और इसके अलावा गाइज आपको जो है अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसको जो है सीधा बाय कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाकी गाइज यार वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ लाइक करके बताना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है।